बात करते हैं। हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस मनाने की शुरुआत सन 2001 से हुई थी। इसे प्रतिवर्ष यूएन की संस्था यूएनएफएओ अर्थात यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है। ईयर 2021 के वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। वर्ल्ड मिल्क डे के अलावा हमारे देश में भी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया है, अर्थात 10% आरक्षण है गरीब सवर्णों के लिए, उसे मराठा समुदाय को देने का फैसला लिया गया है। हम महाराष्ट्र ने लिया है तो हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बी श्याम। बी श्याम आइसलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। IFS अधिकारी बी श्याम को आइसलैंड में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अब आइसलैंड है तो आइसलैंड की कैपिटल है रेक्जेविक, यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और जीटी जोहानसन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूएन ने इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में अकाल की घोषणा की है। अब ये टिग्रे क्षेत्र होता क्या है, तो इथियोपिया के नॉर्थ पार्ट को अर्थात इथियोपिया का जो उत्तरी भाग है उसे टिग्रे रीजन कहते हैं। यहाँ के लोग भी एक अलग देश बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हुआ ये है कि इथियोपिया के जो PM हैं अबी अहमद अली, इन्होंने इस टिग्रे रीजन की फूड सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से यहाँ अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। जो इथियोपिया के टिग्रे रीजन के उत्तर में है उसे इरिट्रिया कहते हैं, जो कि पहले इथियोपिया का भाग था, अब वह एक अलग मुल्क ही है। 2 साल पहले इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया के संबंधों में बेहतरी लाने का प्रयास किया था। इथियोपिया की बात करते हैं तो इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, यहाँ की करेंसी है इथियोपियन बिर BIRR, और अबी अहमद अली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम SK मजूमदार को केनरा बैंक का नया CFO नियुक्त किया गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात SK मजूमदार को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो। नाटो स्ट्रीट फोर्स डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। अब नाटो आयोजित कर रहा है तो नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 यूरोपीय कंट्री और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री शामिल हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में स्थित है। बेल्जियम फीफा रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, अर्थात मंदिर के पुजारी व सफाई कर्मियों को आर्थिक रूप से सहायता देने की घोषणा की है।
डीएमके चीफ एमके स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। जम्मू कश्मीर ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। अब ये विशेष सहायता योजना क्या है, अर्थात अगर किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है कोविड की वजह से, तो उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड को सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति महीना आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर उनके बच्चे हैं और वह हाई स्कूल में है तो उसे 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, तथा अगर कॉलेज में हैं तो उन्हें 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में डल व बुलर झील हैं, किश्तवाड़ और दाचीग्राम नेशनल पार्क यहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेनमार्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर पॉल स्नूटर का निधन हो गया है। ये इमेज में जो देख सकते हैं आप, ये हैं पॉल स्नूटर। ये 1982 से लेकर 1993 तक डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, अर्थात गोवा के ऐसे रीजन जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ये देखिए, ये हैं रवि शास्त्री और इन्होंने पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ऑलराउंडर भी हैं और एक कमेंटेटर भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में टोबैको कंट्रोल के लिए WHO ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है। अब WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस WHO के हेड हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ATP रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। यह इमेज में देख सकते हैं, यही हैं नाओमी ओसाका। दरअसल मीडिया बहिष्कार के चलते नाओमी पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया था। उसी के प्रतिरोध में नाओमी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 2020 में 413 करोड़ रुपए